गुड मॉर्निंग यू ऑल। तो डे 29 क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन डे 29 थोड़ा इजी था, ज़्यादा मुश्किल नहीं था। तो अगर आपने थोड़ा सा सोचा होता ढंग से तो यू कुड हैव सॉल्व्ड इट। तो डे 29 क्वेश्चन क्या था कि देर इज़ अ पॉन्ड एंड देर इज़ अ लिली पैड इन इट। फर्स्ट पार्ट था देर इज अ वन लिली पैड एंड द लिली पैड डबल्स एवरी डे, साइज डबल्स एवरी डे। सो दिस वॉज द थिंग। एंड We also knew another information. First information थी size everyday double. Second information is कि it takes 30 days to cover the entire pond. This was the second information. तो हमें ये बताना था कि first part how many days will it take to cover half the pond. So बच्चों देखो, अगर size daily double हो रहा है, if the size is doubling daily and on the 30th day it was full, 30th day it was full. ठीक है, तो हाफ कब होगा? हाफ विल बी वन डे बिफोर, क्योंकि हर डे डबल हो रहा है। तो 29th डे, वेरी सिंपल। फर्स्ट पार्ट वॉज वेरी सिंपल, सो फर्स्ट पार्ट वॉज 29th डे, सो इट वॉज फेयरली ईजी। ये तो आप सोच सकते थे। सेकेंड पार्ट थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, लेट्स सी। तो सेकेंड पार्ट को करने के मल्टीपल वेज हैं। तो फर्स्ट मेथड कैन बी कि यू डू समथिंग इन द लाइन्स ऑफ लॉजिक। कैसे? कि आप बोलो कि सर अच्छा सो आई विल टेक दिस आउट। सो यू से कि द फर्स्ट द लिली पैड, वन लिली पैड डबल्स एवरी डे। ठीक है, सो ऑन एनी गिवन डे द साइज ऑफ लिली पैड, लेट से इनिशियली इट वॉज सम x meter square the area. So size means area, x meter square. So on any given day it will be 2 to the power n minus 1 meter square into x. So let's say it is day 1. So day is equal to 1 pe the area will be x. On d is equal to 2 it will be n is equal to 0. So 2 power 0 is 1. So 1 into x. D is equal to 2 pe kya hoga? 2x. N is equal to 2. So when n is equal to 2, 2 power n minus 1 becomes 2 power 2 minus 1, which is equal to 2x. D is equal to 3 pe kya hoga? 2 power 3 minus 1, which is equal to 2 square, which is 4. So 4x and so on. So if area of 1 lily pad is 2 power n minus 1 into x, covered by 8 is 8 times 2 power n minus 1 into x. We have to tell n. है ना, एंड दैट इज इक्वल टू व्हाट? 2 पावर n माइनस 1, 30 माइनस 1, मतलब 30 डेज में जितना एरिया कवर होगा टोटल। ठीक है, सो लेट्स सी, दिस इज व्हाट इनटू x, सो x एंड x विल कैंसिल आउट, वी हैव टू फाइंड n। सो 2 पावर n माइनस 1 इज 2 पावर 29 अपॉन 8, दैट इज 2 पावर 29 अपॉन 2 पावर 3, which is law of exponent simple, 29 minus 3, which is 2 power 26. Hence, n is equal to 26 plus 1, that is 27. Simple. Second method to think this part is, bachcho, ki aap isko aise bolte, ki on the first day, instead of 8 lily pads, we have a lily pad, which is, so dekho, simple logical deduction hai, ki agar first day pe, I have 8 lily pads, ठीक है, the area is something 8 times A, next day it's going to be 16 times A, ठीक है, तो instead of saying कि on day 1 we have 8A, ठीक है, अगर हमने A से start किया होता तो 8A कब पहुँचते? A, 2A, 4A, 8A, मतलब 3 days के gap के बाद हम पहुँचते 8A पे, तो instead of saying कि we have 8 lily pads in the beginning, I could have said कि यू हैव अ लिली पैड विच स्टार्ट्स एट 8A, तो यू हैव टू टेल मी व्हेन इट रीचेस फुल साइज। तो वो 30 माइनस कितना हो जाता है? ये 3 डेज का गैप है, तो 30 माइनस 3 27, सिंपल। सो लेट्स से इन केस 8 की बजाय मैं आपको बोल देता यू हैव 16 लिली पैड्स, तो आप क्या बोलते? 26, है ना, 30 माइनस 4 बोल देते तो 26। इसको आपने कई तरह से सोच सकते हो, ध्यान से इसको सोचना है क्वेश्चन को। दिस इज़ अ वेरी क्वेश्चन दैट इज़ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड एंड यू गाइज कैन डू इट बिकॉज यू हैव डन द प्रीवियस डेज क्वेश्चन ऑल्सो। सो विद दिस लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन फॉर डे 30। सो डे 30 क्वेश्चन इज गोइंग टू बी अ वेरी इजी क्वेश्चन, ठीक है।
तो क्वेश्चन क्या है, वेरी स्टैंडर्ड क्वेश्चन ऑल्सो, ये आपने मे बी मोस्टली आप सबने सुना ही होगा अगर आपको पजल्स के का थोड़ा बहुत शौक है. सो दिस पजल इज दैट यू हैव अ टैप, यू हैव अ टैप, ठीक है, ऐसी कुछ होती है, यू हैव अ टैप, ठीक है, एंड वाटर इज गशिंग आउट, देर इज इनफाइनाइट वाटर. यू हैव टू कंटेनर्स, यू हैव टू कंटेनर्स, वन विद अ 5 लीटर कैपेसिटी, अनदर विद अ 3 लीटर कैपेसिटी, ठीक है, एंड यू हैव टू टेल मी हाउ विल यू कैलकुलेट 4 लीटर कैपेसिटी, ठीक है. यू कैन टेक अप एनी नंबर ऑफ स्टेप्स, वाटर इज अनलिमिटेड, वेरी इजी क्वेश्चन टू सॉल्व, जस्ट ट्राई इट आउट, यू विल बी एबल टू सॉल्व इट विद इन 10 मिनट्स इफ यू पुट योर पेन ओवर द पेपर. आपको थोड़ा बहुत ट्राई आउट करना पड़ेगा, यू कैन सॉल्व इट. सो दिस इज द क्वेश्चन, आई विल रिपीट इट अगेन. देर इज अ टैप, इनफाइनाइट वाटर इज गशिंग आउट, देर आर टू कंटेनर्स, वन इज 3 लीटर, अनदर इज 5 लीटर. सो यूजिंग बोथ ऑफ दीज कंटेनर्स ओनली यू हैव टू पुट आउट 4 लीटर. सो ऑफकोर्स जो 4 लीटर आएगा वो इसी 5 लीटर में आप किसी तरह फिल करोगे, ठीक है. तो यू हैव टू टेल मी हाउ विल यू फिल 4 लीटर इन दिस 5 लीटर कंटेनर. ऑफकोर्स इस 3 लीटर वाले में तो आप फिल नहीं कर सकते, ठीक है. तो यू डोंट हैव एनी अदर कंटेनर, यू कॉन्ट डू एनी थिंग एल्स, यू कॉन्ट स्टोर इट इन योर हैंड्स. आप में से कई लोग ये भी दिमाग लगा सकते हैं, बट वो नहीं करना, ठीक है. सिर्फ इन 2 कंटेनर्स को यूज़ करना है. यू कैन ड्रॉप एज मच एज यू कैन, यू कैन टेक आउट एज मच वाटर एज यू कैन, ठीक है. ट्राई इट आउट, इट्स अ सिंपल क्वेश्चन, लेट्स सी हू कैन सॉल्व इट.